हे गाइज, वेलकम बैक। आम का अचार बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब होता है। गर्मियों का मौसम आते ही सभी को आम के अचार का इंतज़ार रहता है। साल में एक बार आम का मौसम आता है और अचार भी एक बार बनाकर पूरे साल तक चलता है, तो ये सभी को बहुत ही पसंद आता है। आम के अचार का स्वाद खट्टा और चटपटा होता है। जितने अच्छे और खट्टे आम का आप इस्तेमाल करेंगे, उतना ही स्वादिष्ट आम का अचार बनेगा। आम का अचार एक बार बनाकर पूरे साल तक चलाइए और ये सभी जगह प्रसिद्ध अचार है। आप कहीं भी चले जाएं, आपको आम का अचार ज़रूर मिलेगा और ये बाज़ार में अलग अलग तरह से बनाया जाता है। तो चलिए बनाते हैं आम के अचार की रेसिपी। और ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आम का अचार बनाने की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो आम का अचार बनाने के लिए हमने देसी वाला आम 2 kg ले लिया है और ये 2 kg आम को हम अच्छी तरह से धो के इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसों में कट कर लेंगे। यानी एक आम को हमने 8 टुकड़ों में विभाजित कर लिया है और ये अचार बनाने के लिए आम तैयार हैं। यहाँ पर हमने कुछ मसाले ले लिए हैं, मेथी, राई, सौंफ, हल्दी, कलौंजी, नमक और मिर्च, तो इनको भी ले लिया है। और चलिए तो अब आम के अचार को बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आम में लगभग 2 स्पून नमक डालेंगे और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून हल्दी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको सूखने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे तक अच्छी धूप में रख देंगे। ये अचार 2-3 दिनों के बाद बनके तैयार हो जाता है। इसे आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी ये स्वादिष्ट भी बहुत लगता है। तो देखिए, धूप में सुखा लिया है तो अब इसमें कुछ मसाले और डाल लेते हैं। 1 चम्मच नमक डालते हैं, नमक 1 ही चम्मच डालेंगे, पहले भी हमने डाल लिया है। मिर्च डाल लेंगे 2 चम्मच और ये 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कलौंजी और लगभग 2 चम्मच हल्दी डाल देंगे। और इसके साथ ही हम पिसी हुई सौंफ को इसमें डाल देंगे। सौंफ के साथ हमने थोड़ा सा धनिया भी ग्राइंड किया था, उसको भी डाल लेंगे। और इसके साथ ही हम लगभग इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डालते हैं और डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से तब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक इसमें सभी आमों में अच्छे से मसाला मिक्स नहीं हो जाता है। मसालों को आम के टुकड़ों के साथ अच्छे से मिक्स करें, कहीं भी ऐसा ना हो कि मसाला कम लगा हो। चम्मच से जब तक चलाते रहेंगे तो आम के मसाले और अचार दोनों चीज़ों को तैयार करने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है और इसे बनाने की तैयारी में लगभग 15 मिनट का समय लगा। तो अब हम इसको एक साफ़ मर्तबान में, जिसको हमने पहले से धो के धूप में सुखा लिया है, उसमें भर के रख लेंगे और इसे 1 हफ्ते तक धूप में सुखाएंगे। और सुखाने के बाद इसमें ऑयल डाल देंगे, जब जहाँ तक आम का पूरा हो वहाँ तक पूरी परत इसकी ढक जानी चाहिए आम की, इतना ऑयल हमें इसमें डालना है। और ये अचार पूरे साल ख़राब नहीं होता है, बस निकालने का तरीका ये है कि इसे कभी आप हाथ से नहीं निकालें, हमेशा स्पून का इस्तेमाल करें। हाथ डालने से अचार ख़राब हो जाता है, तो इसलिए जब भी आप इसका यूज करें तो आप चम्मच से 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा जो भी चाहिए वो निकालें और इसको एयर टाइट ढक्कन करके रखें।
तो ये अचार साल भर तक खराब नहीं होता है। तो देखिए तैयार है हमारा आम का अचार, आप भी इसको घर पे इसी तरह से बना के ट्राई कीजिए। धन्यवाद।